हेलो दोस्तों, अभी ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ मार्केट में आ रही है दोस्तों, और वो बहुत बड़ी कंपनी के तरफ से है। वो कंपनी है दोस्तों जो लोगों को बहुत बड़ी रकम दी है, मतलब करोड़पति बना के छोड़ा है, ठीक है। ऐसी कंपनी है दोस्तों, और वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ दे रही है, दावा के साथ बोल रही है। और अगर वो न्यूज़ सच हुआ तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता इस गिरावट में। तो कौन सी कंपनी है और क्या न्यूज़ है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको कंपनी का नाम बता देता हूं दोस्तों, सिप्ला, ठीक है। सिप्ला वो कंपनी है जिसमें कर्ज जीरो है, मतलब इस कंपनी के ऊपर कर्ज एक रुपया का भी नहीं है। और दोस्तों कंपनी इतनी बड़ी और इतनी शानदार मैनेजमेंट है, आप देखोगे तो बोलोगे कि भाई ऐसा बस कंपनी होता है। और ये कंपनी ने दोस्तों बहुतों को बहुत बड़ा रकम कमा के दिया है। अगर आप देखना चाहते हो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले न्यूज़ क्या आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो नीचे में न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ। कंपनी होगा इंडिया का जो दोस्तों कोरोना वायरस को उसको ख़त्म करने में और उसका मेडिसिन बनाने में हेल्प करेगा। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको भी सही से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ देख सकते हो दोस्तों, कोरोना वायरस पैंडेमिस्टिक सिप्ला कैन बी इंडियंस फर्स्ट कंपनी टू मैन्युफैक्चर ड्रग टू फाइट कोरोना वायरस। मतलब कि दोस्तों ये देख सकते हो, इंडिया का फर्स्ट कंपनी ये होगा जो दोस्तों कंपनी कोरोना वायरस का कोई भी मेडिसिन या वैक्सीन बनाने में हेल्प करेगा। और कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि भाई ये न्यूज़ तो फेक है, झूठ है, चाहे जो भी। भाई यहाँ पर देख लो, मैं इंटरनेट में बता रहा हूँ, ठीक है, इंटरनेट में देख के बता रहा हूँ, आप भी इंटरनेट में चेक कर सकते हो। और यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हो दोस्तों, टाइम ऑफ इंडिया, ठीक है, टाइम ऑफ इंडिया में स्टेटेड, मतलब कि दोस्तों टाइम ऑफ इंडिया में ये न्यूज़ भी वायरल हो रहा। और ये एक बार नहीं, देखिए मानते हैं कि एक बार कोई न्यूज़ आया तो चलिए यार फेक हो सकता है, दो बार आया चलिए मान लेते हैं, अगर तीसरी बार आए तो आप क्या बोलोगे? ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें पता नहीं चल पा रहा। और दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, सिप्ला कंपनी ने बहुतों को करोड़पति बनाया है। और कुछ देखना भी चाहते हैं तो मैं दिखा भी दूंगा आपको। तो शेयर का प्राइस कितना चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, सिप्ला का अभी जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 410 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। और मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो कि फरवरी और मार्च में ज़्यादातर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हुई। आप देख सकते हो दोस्तों, निफ्टी 3500 के आसपास इतनी बड़ी रकम निफ्टी से मतलब गिर जाता था, 2000 पॉइंट गिर जाता था, 3000 पॉइंट गिर जाता था दोस्तों, गिरता था कि नहीं, मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश होता था। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया दोस्तों, सिप्ला को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, चाहे मार्केट कितना भी गिर जाए। आपको देखिए, मैं आपको डेटा दिखाता हूं, ये देखिए दोस्तों, मैं आपको वन मंथ का डेटा दिखाता हूं। सबसे पहले ये मार्च है, ठीक है, तो मार्च अभी दिखाता हूं मैं आपको, फुल मार्च में आप देखना, आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े ब्लू चिप कंपनी है वो 50% टूट चुके हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो 40% टूट चुके हैं, टूटे हैं कि नहीं। लेकिन दोस्तों ये कंपनी में अगर हम बोले तो जनरल गिरावट हुआ है, मतलब कि बहुत आम गिरावट हुआ है, मतलब कि 10% 15% के आसपास गिरावट हुआ, कुछ भी नहीं दोस्तों। ये तो ऐसे ही मार्केट थोड़ा बहुत अप डाउन होता है तो गिर जाता है 10-15% के आसपास, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक का प्राइस कितना था, 400, ठीक है। स्टॉक का अभी कितना प्राइस चल रहा है दोस्तों, 400। और दोस्तों हाईएस्ट लगाया था स्टॉक ने 450 रुपीज़ के आसपास, ठीक है, 450 रुपीज़ के आसपास हाईएस्ट लगाया था। और देख लीजिए, 450 रुपीज़ का हाईएस्ट लगाया था और स्टॉक का प्राइस अभी कितना है, तो दोस्तों स्टॉक को कुछ नुकसान हुआ एक महीने के अंदर, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। आप इसका डेटा देख सकते हो, 2 या 3 महीने का भी डेटा देख सकते हो, ठीक है, कंपनी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। और दोस्तों कंपनी के ऊपर कर्ज एक रुपये का भी नहीं है, इतनी बड़ी अच्छी खबर शायद किसी कंपनी में मिल सकती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ भाई, दिखाओ, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर देख लो भाई, इस लाइन में आपको बताया जाएगा कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, ठीक है, इस लाइन में आपको बताया जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर फोकस करना है, थोड़ा सा मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है, ये देख लीजिए आपके सामने आ गया 0/0, 0, 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 0
भर भर के रखा है भाई, भर भर के रखा। अगर कल को कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कंपनी के ऊपर, आने वाला तो है नहीं भाई, क्योंकि 1 रुपया का कर्ज़ नहीं लिया है तो कौन डिमांड कर सकता है कि नहीं। अब मान लीजिए कि DHFL है तो उसने बहुत ज़्यादा कर्ज़ लिया था, आप सब डिमांड कर रहे थे तो उसको बैंकरप्शी होना पड़ा। यस बैंक ने भी बहुत जगह इधर उधर अपना पैसा फंसाया था तो उसको करना पड़ा, लेकिन ये वो कंपनी है दोस्तों जो अपना हाथ कहीं पर भी नहीं फंसाई है, ये पूरा क्लीन वाइट पेपर की तरह, देखिए वाइट पेपर की तरह दोस्तों ये कंपनी पूरा क्लीन है वाइट पेपर की तरह, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ दोस्तों, कंपनी के ऊपर 1 रुपये इसका कर्ज नहीं है, ठीक है। ये लाइन में यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा 0, ठीक है। और कंपनी का असेट तो देख लो भाई, भर भर के रखा कंपनी ने, असेट भर भर के रखा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी, मैंने आपको बोला था भाई करोड़पति बनाई है लोगों को, मैं आपको दिखा देता हूँ बोनस किस हिसाब से देती है और दोस्तों ये स्टॉक किस हिसाब से काम करती है, ठीक है।
तो सबसे पहले भाई हम डिविडेंड देख लेते हैं, डिविडेंड देख लेते हैं। तो डिविडेंड का हम सबसे ये देखेंगे कौन से साल में दी है नहीं दी है, ठीक है। 2017, 2018, 2019, 2020, 2020। भाई 20 में दो बार तो नहीं दे दिया ना, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। डिविडेंड के मामले में बात कर लेते हैं दोस्तों, कंपनी ने कितना कितना कब कब दिया, ठीक है, परसेंट में बताया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, फेस वैल्यू के ऊपर होता है, ठीक है। तो 100% दिया, चलो भाई अच्छा है। कितना दिया दोस्तों, 150%, 150%, फिर 50% जब लॉस हुआ कंपनी को तो 50% फिर से दोस्तों जब कंपनी हुआ तो हॉनेस्टली कंपनी ने 150% आपको दे दिया वापस, ठीक है। और आपको तो पता है दोस्तों शेयर मार्केट में क्या होता है, कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस, कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस। तो दोस्तों जब कंपनी प्रॉफिट में जा रहा था तो आपको दिया, लेकिन जब लॉस में जा रहा था दोस्तों तो आपको कंपनी ने नहीं दिया बोनस, ठीक है। लेकिन फिर जब दिया ऊपर गया तो दोस्तों आपको डिविडेंड वापस दे दिया गया, ठीक है। तो कंपनी देख सकते हो यहाँ पर हॉनेस्टली कामकाज रिया। उसके बाद से हम देख कर लेते हैं भाई बोनस के मामले में, ठीक है। ये रहा बोनस, हम देख लेते हैं कंपनी बोनस के मामले में कैसी है। तो कंपनी में एक बार देख लेते हैं भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, ये जो 1:1 होता है ना, ये बोनस बहुत खास होता है, शायद मे बी किसी किसी कंपनी में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत खास होता है। इसका मतलब होता है अगर आपके पास मान लीजिए कि 1000 शेयर है, केवल 1000, तो आपको हो आपका शेयर हो जाएगा 2000 हो जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा। और जब आपके पास 2000 है तो दोस्तों आपका शेयर कर देगा 4000। सोचिए था कितना आपके पास, 1000, लेकिन दो बार बोनस दिया तो कितना हो गया दोस्तों, यही 1000 शेयर। एक बार और बताता हूँ, ठीक है, ये जो आपने खरीदा कितना था, केवल 1000 शेयर आपने खरीदा था, मान लीजिए कि 1000 रुपीज़ में आपने 1000 शेयर खरीदा, फिर जब फर्स्ट टाइम बोनस दिया तो कितना हो गया दोस्तों आपके पास, 2000 हो गया। जब सेकेंड टाइम बोनस दिया तो कितना हो गया, 4000, था कितना 1000, हो गया 4000। ये तो दोस्तों केवल दो बार बोनस दिया तो, ठीक है। और उसके बाद फिर ये तो दो बार क्यों हुआ, यहाँ देख लीजिए 3, 4, 5 बार कंटिन्यू कंपनी ने बोनस दिया है। तो सोचिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा स्टॉक बहुत अच्छा है। और ये एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको दोस्तों, ये राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े लोगों के पोर्टफोलियो में भी ऐसा स्टॉक है। ओ माय गॉड, स्टॉक तो स्प्लिट भी हुआ है दो बार, ऐसे देखना मुश्किल होता है दोस्तों। आपको क्या नहीं दिया कंपनी ने, ठीक है, बोनस दिया, डिविडेंड दिया भाई, स्टॉक को स्प्लिट किया, स्टॉक का प्राइस भी अच्छा है, 1 रुपये का कर्ज भी नहीं है, ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ बता रही है दोस्तों, और कंपनी में मार्केट गिरने की वजह से 1 रुपये का नुकसान भी नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो अगर आपको लगा कि कंपनी अच्छी है तो आप खरीद सकते हो, आपको प्रॉफिट भी होगा, जरूर प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन आप जो भी काम करो एक दो दिन के लिए नहीं, हम क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदो भाई, प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट होगा तो भाई आप देख सकते हो, ऊपर से आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है सब कुछ देख लीजिएगा, उसके बाद आप भी अपना, क्योंकि प्रॉफिट आपका तो लॉस आपका, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कि स्टॉक में कुछ ऐसा है खास बात जो आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और गिरते हुए मार्केट में ऐसे स्टॉक के ऊपर आपका ध्यान रखना चाहिए, तो वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उनको जिनको ज़रूरत है। बाकी तो आप देख लियो, बस आप तक वीडियो पहुंचाना काम था, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है दोस्तों मैं कुछ दिनों के अंदर ही राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में जो वो मेन स्टॉक है, जो जिन पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं, वो स्टॉक को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरा मेहनत कंटिन्यू जारी है दोस्तों, मैं मेहनत कर रहा हूँ, बस आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, ठीक है। मिलते हैं, लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में।